जरवान कह रहे हैं कि उनके दरवाजे पर दोबारा आने के लिए शुक्रिया। मैं यहाँ जरवान का दरवाजा नहीं, अपना कंसाइनमेंट लेने आया हूँ। वो रहा तुम्हारा कंसाइनमेंट। क्या तुम्हें पता है कि इंसान के शरीर में 36 ऐसी जगह है जहाँ तरीके से मारा जाए तो उसकी मौत हो सकती है। इस हद से बस मेरे लिए एक फैसला करना मुश्किल हो रहा है। वो क्या? तुम दोनों में से पहले किसे मारा जाए। डॉन को वापस ढूंढने की कोशिश की जाएगी? क्या प्रियंका चोपड़ा डॉन 3 में हमें नहीं दिखाई देंगी? क्या शाहरुख खान एक न्यू फेस को लॉन्च करेंगे? मैं हूं दृष्टि जोशी और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, जिन्हें आखिरी बार फिल्म जीरो में 2018 में देखा गया था, वो वापस हमें डॉन बनते नजर आ सकते हैं। जीरो में शाहरुख खान ने अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करी थी। फिल्म को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया था और फिल्म काफी लोकप्रिय भी हुई थी। जीरो में आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण की एक स्पेशल अपीयरेंस भी थी और ऑडियंस को फिल्म काफी पसंद भी आई थी। लेकिन शाहरुख खान के फैंस को तो बस उनके डॉन बनने का इंतजार है। डॉन 2 को रिलीज हुए लगभग 10 साल हो चुके हैं और खबरों का बाजार गर्म है कि डॉन 3 जल्द ही फ्लोर्स पे आ सकती है। हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर और राइटर फरहान अख्तर ने डॉन 2 का पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म के 9 साल पूरे होने पर सभी कलाकारों को बधाई दी, जिसके बाद ट्विटर पे फैंस ने डॉन 3 को बनाने की बात रखी। कई फैंस ने तो एक नया हैशटैग भी जारी कर दिया और इसी से पता लगाया जा सकता है कि डॉन 3 को लेकर फैंस कितने जोश में हैं। डॉन 3 फरहान अख्तर की फ्रेंचाइजी फिल्म डॉन की लास्ट फिल्म मानी जा रही है। अगर खबरों की माने तो फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चालू हो गया है, लेकिन फरहान अख्तर चाहते हैं कि वो जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले जिसके चलते फिल्म को कोई नुकसान हो। डॉन का टाइटल 1978 की फिल्म डॉन, जिसमें अमिताभ बच्चन और जीनत अमान लीड रोल्स में नजर आए थे, उसी से प्रेरित है। फिल्म डॉन 2006 में शाहरुख खान के साथ एक बार फिर रिलीज की गई। शाहरुख खान के साथ ईशा कोप्पिकर, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर खान और बोमन ईरानी दिखाई दिए थे। डॉन इतनी लोकप्रिय हुई कि फरहान अख्तर ने फिल्म का सीक्वल बनाने की सोची और 2011 में डॉन 2 रिलीज की गई। डॉन 2 में ईशा कोप्पिकर और करीना कपूर खान नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन फिल्म में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और बोमन ईरानी अहम भूमिका में नजर आए थे। डॉन 2 ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 300 करोड़ रुपए भी कमाए थे और 2011 की वो एक सबसे सुपर हिट फिल्म साबित हुई। आज फिल्म के 9 साल बाद भी फैंस को फिल्म के तीसरे और फाइनल पार्ट का इंतजार है, लेकिन फिल्म को लेकर कोई भी बात क्लियरली सामने नहीं आई है। सोर्सेज की माने तो फरहान अख्तर फिलहाल अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करना चाहते हैं और फिल्म डायरेक्ट करना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या डॉन 3 को कोई और डायरेक्ट करेगा? खबरों की माने तो शाहरुख खान फरहान अख्तर के साथ ही फिल्म करना चाहते हैं। शाहरुख खान तो हमें डॉन 3 में दिखेंगे ही, लेकिन उनकी जंगली बिल्ली यानी कि प्रियंका चोपड़ा शायद ही में नजर आए। प्रियंका चोपड़ा जो आज बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में ही काम कर रही है, उनकी डेट्स मिलना काफी मुश्किल हो गया है। प्रियंका चोपड़ा को फिल्म में इसलिए भी नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि डॉन 2 की एंडिंग होते ही प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर भी एंड हो गया था, तो इसीलिए भी फरहान अख्तर ये नहीं चाहते कि वो रोमा के कैरेक्टर को जबरदस्ती आगे खींचे। हाल ही में फरहान अख्तर और प्रियंका चोपड़ा साथ में 2019 में रिलीज हुई द स्काई इज पिंक में नजर आए थे। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के रोल निभाते हुए दिखाई दिए थे और एक रीसेंट इंटरव्यू में जब प्रियंका चोपड़ा से डॉन 3 को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने ये बताया कि उनसे अभी तक स्क्रिप्ट को लेकर कोई बात नहीं हुई है। तो फिर सवाल ये उठता है कि कौन सी हीरोइन शाहरुख खान के ऑपोजिट हमें नजर आएगी? रूमर्स अगर सच है तो शाहरुख खान के ऑपोजिट हमें एक नया चेहरा देखने को मिल सकता है। एसआरके के ऑपोजिट एक न्यू फेस देखना काफी दिलचस्प होगा। फिल्म को डॉन फ्रेंचाइजी का लास्ट चैप्टर भी बताया जा रहा है। फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी और शाहरुख खान ने मिलकर ये डिसीजन लिया है और वो ये नहीं चाहते कि फिल्म को जबरदस्ती ड्रैग किया जाए जिसके कारण ऑडियंस उनकी फिल्म से इंटरेस्ट लूज कर दे। इसलिए डॉन 3 फिल्म फ्रेंचाइजी का लास्ट चैप्टर मानी जा रही है। फिलहाल शाहरुख खान फिल्म पठान की शूटिंग कर रहे हैं जिसमें दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम के साथ वो नजर आएंगे। पठान के बाद दीपिका पादुकोण और एसआरके एक बार फिर एक साथ एक फिल्म में नजर आएंगे जिसका नाम सनकी बताया जा रहा है। और खबरों की माने शाहरुख खान अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी एक कैमियो रोल करते दिखाई दे सकते हैं। ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जोड़ी ऑडियंस को पहली बार देखने को मिलेगी। तो दोस्तों 2021 में हमें शाहरुख खान कई फिल्मों में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनकी सबसे अवेटेड फिल्म डॉन 3 ही रहेगी। और अब हम यही आशा करते हैं कि डॉन 3 के मेकर्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर हम सभी को खुश कर दें।